नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज के टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम जियो फाइबर का रिचार्ज जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, चाहे वो आपके मोबाइल में है, चाहे आपके लैपटॉप या आप पीसी में है। तो चलिए अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लें और उसके बाद सर्च इंजन, आपके पास कोई भी सर्च इंजन है, गूगल है या बिंग है या कोई दूसरा सर्च इंजन है, उसमें आपने सिंपली इसमें सर्च करना है जियो फाइबर रिचार्ज ऑनलाइन। जैसे ही आप ये सर्च करोगे, सबसे पहली वेबसाइट www.jio.com आती है और आपने उस वाली वेबसाइट पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास तीनों ऑप्शनें आती हैं दोस्तों, इसमें मोबाइल या जियो फाई का रिचार्ज भी कर सकते हैं आप, जियो फाइबर और जियो लिंक का भी। तो अभी हमने फ़िलहाल करना है जियो फाइबर का रिचार्ज, तो आप जियो फाइबर का अपना नंबर यहाँ पे डाल दें। उसके बाद जो है आप जियो फाइबर का लिंक्ड जियो नंबर भी डाल सकते हैं या आपका जो जियो लैंडलाइन नंबर है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको आगे फॉरवर्ड करोगे तो आपके सामने प्लान चूज़ करने के लिए आएंगे। तो जो भी प्लान का रिचार्ज आपने अपने जियो फाइबर में करना है उसके आगे वाला आप कर दें बाई, यानी हम अभी फ़िलहाल कर रहे हैं 399 प्लस 4 प्लस GST वाला, ये 470 के अराउंड पड़ता है दोस्तों। तो अभी हम इसको कर रहे हैं बाई। बाई करने के लिए आप बाई वाले बटन पे क्लिक करें। बाई का बटन क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आती हैं कि आपको इसको पेमेंट कैसे करनी है। तो आप UPI ID से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से या वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, जियो मनी, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक। तो अभी हम इसमें UPI ID से जो है पेमेंट करने वाले हैं, तो आप भी अपनी पेमेंट कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे होता है अगला प्रोसेस। चलिए तो अभी मैं यहाँ पे अपनी UPI ID डाल देता हूँ और पे नाउ का बटन क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट मैं यहाँ UPI ID से पेमेंट कर रहा हूँ, तो UPI ID के लिए रिक्वेस्ट जाती है आपके जहाँ पे भी आपने UPI ID के लिए डाला होगा, जो भी UPI ID डाली होगी उस ऐप पे आपकी रिक्वेस्ट डाल जाती है, चाहे वो बैंक की है या वॉलेट की है। तो जैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें और भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरी पेमेंट यहाँ पे हो गई है सक्सेसफुल और उसके बाद पेज हो रहा है रीडायरेक्ट। तो पेमेंट सक्सेसफुल होगी दोस्तों, इस तरह से आप का रिचार्ज जो है अभी कंप्लीट हो गया है। आप इसकी रिसिप्ट रखना चाहते हैं तो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिसिप्ट रख सकते हैं, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये रिसिप्ट जो है दिखा सकते हैं अपने, जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, रिचार्ज नहीं होता है, तो आप ये रिसिप्ट अपने पास संभाल के भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।